सो गाइस रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पर हैं। ठंड का पारा चढ़ चुका है, लेकिन रिंग में पारा अभी भी गर्म है, क्योंकि आ चुके हैं रिंग में मारवाड़ी मिल्क टीथ कोल्ड्स। और देख सकते हैं आप, ये एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा। भाई साहब, क्या नाम है इस बच्चे का? बेली बाली बेली। और किसका बेटा है ये? है शेष नाग का बेटा। किस लाइन इसका हो गया? ये मज्जू की ब्लड लाइन का एक रंग काला बछेरा है। बहुत ही खूबसूरत बछेरा है ये, एक रंग काला शानदार बछेरा। और हम और भी दिखाएंगे आपको, ये एक और काला बछेरा। और माहौल में एकदम गर्मी, क्योंकि एकदम से तकरीबन 37-38 बछेरे इस रिंग में आ चुके हैं, और सारे ही गरम बछेरे हैं। हम लोग आपको एक ओवरलुक दिखा रहा हूं मैं इस वक्त आपको, के मोटा मोटा कि कौन कौन से किस किस तरह के बछेरे आए हैं। कुछ से बात करेंगे, ऑफ कोर्स बातचीत होगी कुछ से। और रात के इस समय जब ठंड है, लोग कंबल ओढ़कर भी देख रहे हैं, बिकॉज ये मारवाड़ी अश्व की ब्यूटी यही है। नमस्कार सर, क्या नाम है इस बछेरे का? क्या नाम है, नाम क्या इसका? आजिम। आजिम, आजिम। किसका बेटा है? काजिम का? नहीं। तो हरगुन का। हरगुन का बेटा। कौन सी लाइन इसका हो गया? ये हरगुन हो गया। सप्ताश का बेटा हो गया ये। ओके, कितने महीने का है ये? 16 महीने का। 16 महीने का बछेरा है। लुक एट दिस गाइस, क्या क्या कंडीशन में खड़ा है ये बछेरा। अभी मिल्क टीथ कोल्ट है ये, बहुत ही प्यारा बछेरा। और यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ छोटे बछेरे भी हैं। नमस्कार साहब, कहाँ से पधारे हो? कहाँ से पधारे? हाँ जी, संत नगर हरियाणा। किसका बच्चा है ये? प्रभात, देवली लाइन। और क्या नाम है इसका? गैदर। कितने महीने का बच्चा है ये? 11 महीने का एक खूबसूरत बछेरा है गैदर, प्रभात का। प्रभात का डायरेक्ट सा नहीं है? अच्छा, गब्बन लीती घोड़ी। ओके, चलिए, तो ये एक प्रभात का बहुत अच्छा बछेरा। अगेन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बछेरे पूरी तरीके से रिंग में एकदम से हलचल मचा दी है इन्होंने चारों तरफ। एकदम ठंड का माहौल था, लेकिन उस माहौल की गर्मी माहौल को एकदम गर्मी में कन्वर्ट कर दिया है। भाई साहब, क्या नाम है इसका बछेरे का? नाम क्या इसका? पारस घोड़े का बच्चा है। ओके, मुकेम्बो नाम है। मुकेम्बो नाम है। ओके, कितने महीने का बच्चा होगा ये? 8 महीने का बच्चा है। और यहाँ पर बछेरे आप देख सकते हैं माहौल में किस तरीके से गर्मी। और बैक टू बैक जजेस यहाँ पर रिंग में करते हुए। और ये देखिए, ये खूबसूरत बछेरे यहाँ पर संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज मारवाड़ी अश्व की गर्मी अलग ही होती है। मारवाड़ी अश्व का जो टेम्परमेंट है, जो उसका बिहेवियर है, वो रिंग में देखते ही बनता है। दैट्स व्हाई लोग मारवाड़ी बछेरों को इतना पसंद करते हैं, मारवाड़ी स्टैलियंस को इतना पसंद करते हैं। इस कैटेगरी में यहाँ पर फिर से बछेरा जिसकी कैटेगरी चेक कर सकते हैं जजेस हमारे, अभी भी एकदम बारीकी से बछेरों को, इसके कान भी आप चेक कर सकते हैं, कितने सुंदर इस बछेरे के कान हैं देखिए। और टीथ चेक करते हुए, बिकॉज ये मिल्क टीथ कॉम्पिटिशन है, तो घोड़ों की उम्र का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है उनके दांतों को देखकर। तो ये कुछ बारीकियां हैं यहाँ पर। एक और बहुत ही खूबसूरत मारवाड़ी ब्लैक, एक रंग ब्लैक बछेरा देखते हैं, बात करते हैं इनके ओनर से। क्या नाम है जिसका? हीरो। किसका बेटा है हीरो? अच्छा, ठीक है, इनके हैंडलर हैं ये। और ये खूबसूरत एक ब्लैक बछेरा हमारे सामने है, बात करते हैं इनके प्राउड ओनर के साथ में। नमस्कार सर,
नमस्कार जी। क्या क्या नाम है, क्या डिटेल है इस बछड़े की? सर इसका नाम हीरो है जी। जी सर ये आलीशान का पोता है। आलीशान का पोता? हाँ जी। हाँ जी। ओके। इसके फादर वो एक यहाँ डेरा है हमारे, शायद आपके मठ बोलते हैं। हाँ यहाँ हनुमानगढ़ के पास ही मोरजंट, इसका फादर वहाँ पे है जी। जी क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी शायद कुछ वो बाबा जी वाला घोड़ा बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं, मैंने दो बार ही देखा है मैंने। ओके ओके। इसकी मदर मेरा फ्रेंड है जी, उसके पास है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी फूलमाल। फूलमाल लाइन की है वो? नहीं नहीं उसका नाम ही फूलमाल है जी। और किस लाइन की है वो? वो है जी शायद फूलमाल लाइन की है। ओके। उसके एक पैर सफेद है और माथे में उसके है फूल। फूल? हाँ जी। और कितने महीने का बच्चा हुआ है ये? सर ये 20 महीने का है जी। 20 महीने का। कहाँ से पधारे आप लोग? आप कहाँ से आए? हम आए हैं जी डिस्ट्रिक्ट बठिंडा रामा मंडी। ओके। कब आ गए थे मेले में? हम आज ही सुबह आए थे, कल भी आए थे जी। आज घोड़ा आ जाए। घोड़ा आ जाए। और कब से वेट कर रहे हैं आप इस दिन का? आज सुबह से वेट कर रहे हैं? बिल्कुल सुबह से कर रहे हैं सर। हम तो जब इसको 5 महीने के थे इसकी तैयारी में लग गए थे, जब 5 महीने। आज कितनी बजे से वेट कर रहे हैं आप? आज हम आ गए थे सुबह 11 बजे पहुंच गए, 3 बजे का टाइम था, अब रिंग स्टार्ट हुआ है। और रिंग कितने बजे स्टार्ट हुई है? रिंग हुई है स्टार्ट, अब आप चेक कर लो 8:30 हो गए। ये टाइम हो रहा है 9 बजे स्टार्ट हुआ, 3 बजे का टाइम था। 3 बजे का टाइम था। हाँ जी। तो तकरीबन 6 घंटे 6 घंटे लेट वेट किया हमने। वेट किया है बिकॉज एक बच्चा बहुत प्यार से बहुत मेहनत से लोग रेडी करते हैं, तो उसके लिए इंतजार करना बनता है। लेकिन इन बच्चों की गर्मी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, क्योंकि ये मारवाड़ी कोल्ट्स की या मारवाड़ी घोड़े की खासियत है कि ये गर्म खून होता है इनमें, और गर्मी ये अपनी दिखाते ही है। एकदम से ठंडी पड़ी रिंग को इन्होंने एकदम से चार्ज कर दिया। बिल्कुल सर, चार्ज कर दिया है ये। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका बछेरा रिंग में अच्छा परफॉर्म करे और आपको प्राउड फील करवाए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये है हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा आलीशान लाइन का बछेरा। और इसके अलावा भी हम यहाँ पर देखें एक और बछेरे को, हमारे जज साहब कवर करते हुए उसको चेक कर रहे हैं। लाइट्स की वजह से शायद आपको बछेरा दिखे ना, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको दिख जाए। और सभी जज सुबह से इसी फील्ड पे लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी पूरी सजगता के साथ में इन बछेरों को भी वन ऑन वन चेक करते हुए। और यहाँ पर हम देखेंगे एक और खूबसूरत बछेरा, सारे वैसे एक से बढ़ बढ़ के एक बछेरे हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, कहाँ से बता रहे हैं आप? हैं जी रनिया गाँव से। और क्या नाम है इस बछेरे का? इसका नाम है ग्रेट अशोक का। हाथ में रखिए। हाँ क्या नाम है सर इसका? इसका ग्रेट अशोका। ग्रेट अशोका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक ब्लैक बछेरा है, इसके सिर्फ सर पे एक छोटा सा मतलब तिलक है, बाकी चारों पैर काले। और किस लाइनेज का हो गया सर ये? ये भारत रत्न का। हाँ जी, बच्चा डायरेक्ट बच्चा है। डायरेक्ट बच्चा। और कितने महीने का हो गया ये? ये 25 महीने का। और इसकी मदर शानदार की है। इसकी मदर शानदार की है और ये खुद भी बहुत शानदार कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज ये एक और बहुत ही सुंदर बछेरा, कितने महीने का हो गया सर ये? 26 मंथ का है। ठीक है, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपका बछेरा अच्छा परफॉर्म करे। और ये एक और खूबसूरत बछेरा यहाँ पर, अभी भी स्टिल ऑडियंस हमारे साथ है। सर्दी का माहौल है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बाज नहीं आ रहे, ऊपर बैठे हैं मेरे भाई सब लोग। अभी भी पूरा दिन पूरी रात हो चुकी है, फिर भी लोग यहाँ पे, घोड़ों का जो नशा है वो ऐसा ही है कि आदमी को चैन नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एक और खूबसूरत बछेरा, और यहाँ सामने रिंग में जजमेंट चल रहा है, घोड़े बैक टू बैक जजेस के सामने आ रहे हैं। ये एक और एक रंग काला बछेरा यहाँ पे, इस रिंग में एक रंग काले बछेरे कम से कम 3-4 आ चुके हैं, मैंने दिखा दिया आपको 2-3। तो और देखते हैं, टफ रिंग लग रही है मुझे ये, क्योंकि सभी एक से बढ़ बढ़ के एक खूबसूरत बछेरे। क्या नाम है पाजी इस बछेरे का? फतेह। फतेह नाम के बहुत घोड़े हैं यार इधर, ये 5वां फतेह है सुबह से। हैं, किसका बेटा है ये? खलीफा का बेटा है। और कितने महीने का हो गया ये? सो गाइस ये पंच कल्याण बछेरा है, इसके मुंह पे टीका है और चारों पैर चिट्टे हैं इसके, और खलीफे का बेटा है। कितने महीने का हो गया ये? 16 महीने का। और हाइट क्या होगी 16 महीने में? 62 हाइट।
तो 16 महीने में 62 हाइट करने वाला एक खूबसूरत बछेरा यहाँ पर हम लोग है हनुमानगढ़ हॉर्स शो 2023 में। रात के तकरीबन 9:15 बज रहे हैं, ठंड का मौसम अपने शबाब पर है, घोड़े रिंग में आ चुके हैं, बछेरे अदंत बछेरे, तो रिंग की गर्मी बढ़ चुकी है। यहाँ पर एक से एक खूबसूरत बछेरे हैं, हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे इस रिंग का भी हाल और इस रिंग का रिजल्ट एक्सक्लूसिवली ऑन RJ19 हॉर्स वर्ल्ड, बिकॉज इस वक्त ये रिंग आपको और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार सर, कहाँ से बता रहे हैं आप? अमृतसर से। क्या नाम है इस खूबसूरत बछेरे का? भीमा। क्या बात है, बहुत अच्छा नाम रखा आपने भीमा। और इसके कान देखिए गाइस, क्या खूबसूरत कान है इस बछेरे के, वाओ। तो इस पे एक मशहूर लाइन कह सकते हैं कि सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। किसका बेटा है सर ये? भीष्मा घोड़े का बेटा है। और किस लाइनेज का हो गया ये? दिलबाग का पोता, आलिशान लाइन हो गया, ठीक है। और कितने महीने का बच्चा है ये? 20 महीने का बच्चा है। और क्या हाइट हो गई इसकी? 62 प्लस है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि अच्छा घोड़ा आपका परफॉर्म करे। ये भी एक बहुत अच्छा भीमा घोड़ा बच्चा है अभी, लेकिन पर्सनैलिटी इसकी किसी स्टैलियन से कम नहीं है, एकदम भरा हुआ मजबूत बच्चा है। यहाँ पर और भी बछेरे हैं, कुछ बछेरे बाहर भी हैं, बिकॉज रिंग में स्पेस कम है इसलिए, और बछेरों को आप ज़्यादा पास खड़ा नहीं कर सकते, दैट्स वाई कुछ बछेरे बाहर भी हैं। ये एक और खूबसूरत बछेरा हमारे साथ में है, क्या नाम है पाजी इसका? माउजर। माउजर नाम है, माउजर नाम का एक और खूबसूरत बछेरा। इसके पीछे के दो पांव सफेद है, बड़े अच्छे, एकदम बड़े बड़े सॉक्स, दोनों एक जैसे सॉक्स हैं, और चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत खुला ब्लेज है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बछेरा है। किसका बेटा है सर माउजर? काले कांटे का पोता है। बाप कौन है इसका? सप्ताश का बेटा है, काले कांटे का पोता हो गया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पेडिग्री ओन करता है ये बछेरा भी। और कितने महीने का हो गया भाजी? 15 मंथ में। क्या हाइट चली गई इसकी? 62 के लगभग है। तो 15 महीने 17 महीने में 62-63 की हाइट में जाने वाले बछेरे, और बहुत ही प्यारे बछेरे। भाजी घुमाओ ना, इस तरह मुंह करो ना इसका यार, लाइट है। अच्छा ठीक है। अरे लाइट कटती है ना यार, चलो कोई बात नहीं। ये एक और अच्छा बछेरा है हमारे सामने, दिलबाग का बच्चा है, दिलबाग घोड़े का बच्चा है ये, डायरेक्ट दिलबाग का है? बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। और क्या नाम है इस बछेरे का? इसका नाम है रॉकस्टार। रॉकस्टार हमारे साथ में है, और रॉकस्टार की उम्र कितनी हो गई है? 20 महीने हो गई है। अच्छा, 20 महीने का ये खूबसूरत बच्चा, थोड़ा सा बितक रहा है, दैट्स वाई शायद इसको दिखा नहीं रहे हैं। ये इसके भी कान आप चेक कीजिए, बहुत ही सुंदर कान का कनौती का ये बच्चा, चारों पैर इसके ब्लैक, और बहुत ही अच्छे हार्ड बोन का कंडीशन में ये बच्चा है। और 20 महीने की उम्र हो गई इसकी, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर जिन जिन बछेरों की जजिंग हो चुकी है उनको रिंग से बाहर जाने के लिए कहा गया है, ताकि दूसरी एंट्री इसको अंदर ला सके। सो ठीक है, अभी यहाँ पर यही, अब तक के लिए तो इतना ही, और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको दिखाएंगे इस रिंग का भी हाल और इस रिंग के रिजल्ट। यहाँ पर कुछ डिस्कशन चलता हुआ जजेस और कमिटी के लोगों के बीच में कि कल की रिंग्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। रात हो चुकी है गाइज, और ठंड भी अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन हम हैं आपके साथ, आप लोगों के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। और अगर ये एफर्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।